हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेनिस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और खास वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में कि घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ होता है और कौन सी नहीं। तो आज मैं आपको तीन अलग अलग तुलसियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये रामा तुलसी के बारे में। ये है दोस्तों, इसको सभी नोन होंगे इस तुलसी से, जो कि हम अपने घरों में हरी तुलसी लगाते हैं उसी को रामा तुलसी बोलते हैं। दूसरी दोस्तों हमारी होती है ये श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी की पहचान होती है, इसकी अभी छोटा पौधा है तो इसकी पत्तियां अभी हरी से बैंगनी होना शुरू हो गई हैं, बाकी इसका जो तना है वो बिल्कुल बैंगनी रंग का है, ये होती है इसकी पहचान। तीसरी दोस्तों हम ये बात करें कपूर तुलसी के बारे में। आप इसे भी अपने घर में लगा सकते हैं, इसे वैसे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इस पे इस तरह के बीज होंगे, आपको इसकी अलग पहचान होगी। इस वाली तुलसी के पत्तों से, इस वाली तुलसी के पत्ते थोड़े छोटे और लंबे होते हैं तो आपको इसकी अलग पहचान हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया तुलसी के बारे में, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें कौन सी तुलसी अपने घर में लगानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रामा तुलसी के बारे में। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि जब भी आप तुलसी लगाएं तो उन्हें विषम संख्याओं में ही लगाना चाहिए। लोगों का ये सवाल होता है कि हम घर में कितनी तुलसियां लगा सकते हैं या अनगिनत तुलसियां लगा सकते हैं, जितनी भी तुलसियां आप लगा रहे हैं। तो दोस्तों उसका सबसे पहला मैं आपको बता दूं, अगर आप घर में तुलसी लगा रहे हैं तो विषम संख्याओं में ही तुलसी लगाएं, आप सम संख्याओं में तुलसी ना लगाएं। चाहे आप एक से लेके 50 तुलसियां लगा लें, पर लगाएं हमेशा विषम संख्याओं में ही, क्योंकि सम संख्याओं में कभी तुलसी नहीं लगाई जाती। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी तुलसी, लोगों के सवाल होते हैं। पिछले वीडियो में लोगों ने बोला था कि क्या घर में रामा और श्यामा दोनों तुलसियां लगा सकते हैं। रामा, श्यामा, कपूर, कृष्णा, वन, आप जितनी भी तुलसियां घर में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सबके अलग गुण और बेनिफिट्स होते हैं, पर जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं दोस्तों वो होती है हमारी रामा तुलसी, जो कि मैंने आपको ये दिखाया, ये रामा तुलसी, ये होती है हमारी दोस्तों रामा तुलसी, जिसको हम अपने घर में लगाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। पर अगर आप लगा रहे हैं तो दोस्तों मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर आप लगा रहे हैं तो रामा और श्यामा दोनों तुलसियां लगा सकते हैं आप। वन, कृष्णा और विमला, कोई सी भी तुलसी आप घर में आसानी से, कपूर तुलसी भी लगा सकते हैं, पर पूजा के लिए आप हमेशा रामा तुलसी का प्रयोग करें। अब बात करते हैं दोस्तों हमें श्यामा तुलसी क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों श्यामा तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इसके लाभकारी गुणों के लिए आप घर में श्यामा तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना कपूर तुलसी के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये कपूर तुलसी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कपूर तुलसी, ये दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में इसको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि ये इतनी लाभकारी होती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप घर में कपूर तुलसी जरूर लगाएं, और ऐसे लोग जो कि मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं या शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं या उनका मन नहीं लगता है, तो उन लोगों को हमेशा कपूर तुलसी का प्रयोग घर में करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से समय पे कौन सी तुलसी लगानी चाहिए। तो आप अगर श्यामा तुलसी, अगर दोस्तों श्यामा का मतलब होता है कृष्णा, ये एक तरह की कृष्णा तुलसी भी इसे बोला जाता है, तो अगर आप श्यामा तुलसी दोस्तों लगा रहे हैं तो आप कार्तिका महीने की गुरुवार के दिन आप श्यामा तुलसी लगा सकते हैं। अगर आप कार्तिक मास में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी गुरुवार को आप श्यामा तुलसी लगा सकते हैं, और इसका आप सिर्फ रविवार छोड़ के आप रामा तुलसी को कभी भी लगा सकते हैं, किंतु कहा जाता है सोमवार के दिन अगर आप रामा तुलसी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कपूर तुलसी। कपूर तुलसी को दोस्तों आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी दिन ग्रो कर सकते हैं, कैसे भी आप लगा सकते हैं, पर जो लोग मान्यताओं को मानते हैं वो रविवार का थोड़ा विचार करते हैं, वो उस दिन उस तुलसी को नहीं लगाते हैं, तो आप बाकी कोई से भी दिन जाकर के इस तुलसी को लगा सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनके अलावा भी और भी तुलसियां होती हैं, जो कि होती हैं विमला तुलसी। अगर आप एक मिनट का मुझे समय देंगे, पॉज देंगे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों मेरे पास एक विमला तुलसी भी है। तो दोस्तों ये पौधा थोड़ा मेरा सूख गया है, बाकी अभी हरा हो जाएगा। ये है दोस्तों मेरी विमला तुलसी, जो कि अभी अच्छे से धूप के कारण से थोड़ा सा मेरी गलती के कारण ये गमला बाहर छूट गया था और ये खराब हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने जो तुलसियां लगाई हुई हैं ये गर्मी और सर्दियों में हेल्दी कैसे है। दोस्तों अभी महीना चल रहा है मई का, इतनी तेज धूप है कि पौधों को, अगर छोटे गमले में पौधे हैं तो उन्हें दो समय पानी चाहिए,
बड़े गमले में पौधे हैं तो आप एक साथ भर सकते हैं, सुबह एक ही बार पानी दे सकते हैं, शाम के समय पे ज़्यादा अच्छा होता है पानी देना। तो दोस्तों बात करते हैं इन्हें हेल्दी रहने के लिए, तो दोस्तों इन्हें हेल्दी रखने के लिए आपको इस महीने में लगभग दो बार, आपको हर 15 दिन में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं, और 15 दिन बाद आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे केले के छिलके का हो गया, या फिर हम विचार करते हैं प्याज तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप केले के छिलके या फिर आलू के छिलकों का फर्टिलाइजर या चाय पत्ती का फर्टिलाइजर आप इनमें आसानी से दे सकते हैं, और 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं, समय समय पर गुड़ाई करें, और जो भी इस तरह की खरपतवार है आप उन्हें समय समय पर निकालते रहिए। और दोस्तों आप बात करते हैं कि हमारी तुलसी जो है वो सूख क्यों रही है, दोस्तों सूखती इसीलिए है गर्मियों में तुलसियाँ क्योंकि वो पूरा दिन धूप में रहती हैं, तो आप ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे आप अपने शेड एरिया में कमरे के बाहर बरामदे में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक या दो घंटे की धूप आए, 6 मिनट की मंग गई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये सभी उपाय आप कर सकते हैं अपनी तुलसी के बारे में, पर दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तुलसी लगा रहे हैं तो इस महीने में आप जब भी तुलसी लगाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी भूल करके उसे लगभग हफ्ते भर तो बिल्कुल धूप ना दिखाएं, आप उसे छांव में ही रखें, क्योंकि जब वो थोड़ा पनपने लग जाएगी तभी आपको उसे लगभग सुबह एक दो घंटे की धूप दिखानी है, बाकी अनदर डे आपको जब तक 7-8 दिन ना हो जाए तब तक आपको उसे धूप में नहीं रखना है और आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ है, रामा श्यामा विमला, तो आप सभी तरह की तुलसियां लगा सकते हैं, किंतु आप अगर पूजा करते हैं तो आप किसी एक तुलसी की पूजा कीजिए, चाहे तो आप रामा की कीजिए चाहे आप श्यामा की कीजिए, पर महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है रामा तुलसी का, तो कि आप रामा तुलसी की पूजा, बाकी पौधे तो आप दोस्तों जानते हैं ही अच्छे होते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप एक बार करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।